आज भारतीय मजदूर संघ हरियाणा एवं हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ द्वारा चलाया जा रहा धरना 12वें दिन में प्रवेश कर चुका है और आज के धरने प्रदर्शन में हजारों की संख्या में सिरसा जिले के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सरकार को जमकर कोसा। इस अवसर पर प्रदर्शन को संबोधित करते हुए भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश संगठन मंत्री जंग बहादुर यादव जी ने कहा कि कर्मचारियों को ऐसा कदम सरकार की हठधर्मिता के कारण उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह तो एक ट्रेलर है लेकिन फिल्म अभी बाकी है। यदि दो दिन के अंदर मुख्यमंत्री ने वार्ता की पहल ना की तो 50,000 कर्मचारियों और मजदूरों के साथ वे जीटी रोड जाम करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार व प्रशासन की होगी। ऐसा है, ये 20 तारीख को जो 20 जुलाई को सीएम ने मीटिंग बुलाई थी हरियाणा निवास में, उसमें हमारा एजेंडा पूरा हुआ ही नहीं था। लिखित मांगे मान ली, उन्होंने पहले मांग ली थी, उसके बावजूद सभी अधिकारी वहां बुलाए हुए थे, 17 विभागों के ACS और PS वहां पर बैठे थे, लेकिन उनका कोई उपयोग नहीं हो पाया क्योंकि दूसरे दलों ने, जो दूसरे वामपंथी दल हैं, उन्होंने प्रशासन के साथ मिलकर इस वार्ता को विफल करने की कोशिश करी। वो चाहते हैं लोग असंतुष्ट रहें क्योंकि उस असंतोष को वो अपने तरीके से बुनाते हैं, लेकिन भारतीय मजदूर संघ इस चीज़ में विश्वास नहीं करता। हमने उसमें जोड़ दिया था मुख्यमंत्री जी को कि हमारी बात पूर्ण कर ली जाए, मानना या ना मानना वो बात की बात है, लेकिन हमारी बात पूरी सुन ली जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बाद में सुनूंगा दूसरे दौर में और 4:30 बजे तक आज मैं यहीं निपटा के जाऊंगा, लेकिन उसके बाद इन्होंने बड़े टेक्निक से उस सारे समय को ऐसे बर्बाद कर दिया और वो सीधे मीटिंग 5 बजे तक चली। मीटिंग 5 बजे के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले गए, वो भी 1.5 घंटा चली। इसलिए BMS में यह आक्रोश था कि हमारी बात कम से कम सुन तो ली जाती, लेकिन उन्होंने सुनी नहीं। उन अधिकारियों को बुलाने का फायदा क्या हुआ? हमारा सारा समय इतना बर्बाद हुआ, उसको हमसे बात करें, हम अपना पक्ष रखेंगे। हमारे पक्ष जो है वैज्ञानिक आधार पर होते हैं, तथ्यों के ऊपर आधारित है, केवल किसी सरकार का समर्थन या विरोध नहीं करते हैं। बात नहीं होती है तो आगामी क्या कदम रहेगा? 15 तारीख को हमने प्रदेश स्तर की यूनियनों के सभी पदाधिकारियों को और राज्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को, भारतीय मजदूर संघ के सभी पदाधिकारियों को यहाँ पर बुलाया हुआ है। उस दिन किसी जिले का कार्यक्रम नहीं है, केवल पदाधिकारी इकट्ठे होंगे भारतीय मजदूर संघ के और उस दिन अगली रणनीति का वहाँ घोषणा करेंगे। हम सरकार को एक गलत फहमी है और उस गलत फहमी को हम निकालना चाहेंगे। आज भवन निर्माण के 4.5 लाख मजदूरों का जो काफी काटी गई है, जिसके कारण 4.5 लाख परिवार के साथ 11 लाख परिवार जो है वो सड़कों पर आ रहा है। हमारे पास इस समय लगभग 1.5 करोड़ वोट की ताकत है। हम सरकार को केवल ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार 75 पार की बात कर रही है और ये 1.5 करोड़ वोटर अगर सरकार के खिलाफ गया तो सरकार हरियाणा से पार हो जाएगी, हरियाणा में दोबारा आने वाली है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।